गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। टुडे इज माय टॉपिक इज पाइपलाइन। देखिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज ए वेरी यूजफुल नेटवर्क टू न्यू अराइवल्स। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो इसके अंदर भी जो है ना पाइपलाइन ठीक जिस तरह से हमारे लिए रेलवे बेनिफिशियल थी, रोड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट बेनिफिशियल था, तो उसी तरह से जो है पाइपलाइन भी हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। अगर मैं बात करता हूँ क्योंकि जितना भी आपका ट्रांसपोर्टेशन या आप एक न्यू अराइवल्स में आपको देखोगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया की, तो उसके अंदर आपको देखिए वाटर टू सिटीज की हम बात करते हैं। देखिए मोस्टली जो पाइपलाइन है हम इसको किस वे में यूज कर सकते हैं, या तो हम लिक्विड या गैसेज के लिए हम यूज करेंगे। लिक्विड में आपका जो है पेट्रोलियम है, वाटर है, या फिर जो है नेचुरल गैस के लिए हम इसको जो है मोस्टली यूज करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि देखिए कि पाइपलाइन कहाँ बिल्ड करी जाती है? एक्चुअली में देखिए पाइपलाइन को हम जो है ऐसे इलाके जहाँ पर हम रेलवे ट्रैक को बिल्ड नहीं कर सकते हैं, रोड को बिल्ड नहीं कर सकते हैं, तो दुर्गम इलाके यानी कि माउंटेन या हिली एरिया जो होते हैं ऐसे इलाकों के अंदर हम जो है पाइपलाइन को यूज करते हैं। लगभग मान लीजिए कि एट प्रेजेंट के अंदर हमारा जो है ये एक न्यू अराइवल जो है। तो ये मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के अंदर हमारी जो पाइपलाइन है, मोस्टली जितनी भी रिफाइनरीज की मैं बात करता हूँ, फर्टिलाइजर की मैं बात करता हूँ, या जो बिग थर्मल पावर प्लांट है ना, तो इसके अंदर सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन भी आजकल जो है होने लगे। अलग बगे मान लीजिए कि किस तरह से आपकी जो पाइपलाइन है मथुरा की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, तो आपकी पानीपत रिफाइनरी है जहाँ पर फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज है, या बिग थर्मल जितने भी पावर प्लांट्स हैं, तो ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूँ कि जो हमारी एलपीजी के अंदर सिलेंडर यूज करते हैं, गैस सिलेंडर यूज करते हैं, तो जो बड़े बड़े सेक्टर्स आपके जो है मेट्रोपोलिटन सिटी के अंदर वो जो गैस कनेक्शन है वो भी बाई पाइपलाइन जो आपके घर तक आपके बिल्ट हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर लगभग मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ जो फर्टिलाइजर या जो सोलिड ट्रांसपोर्टेशन आपका जो सिस्टम के रूप में अगर मैं बात करता हूँ, तो ये हमारा जो है काफी एक वैल्यूएबल जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, देखिए इंडिया की बात करता हूँ कि जो हमारी इंडिया के अंदर है जो कौन कौन सी जो पाइपलाइन है जो एट प्रेजेंट में काफी रनिंग में है या फिर जो है इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा फ्रॉम ऑयल फील्ड, क्योंकि जितने भी हमारी ऑयल रिफाइनरी है, तो ऑयल फील्ड में असम टू कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश तक वाया कहाँ से, गुवाहाटी है, बुरानी है, जो इलाहाबाद है, ठीक है ना, तो लगभग मान लीजिए कि जो इसकी जो ब्रांचेज है पुरानी टू अल्जिया भी जो है वाया राजबंद, ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ये आपकी जो है मोनीग्राम गुवाहाटी टू सिंगोरी, तो ये सिलीगुड़ी जो है ये सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड है जिनके अंदर आपका जो है बाई पाइपलाइन हम जो है इसको यूज करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि फ्रॉम सल्या इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, देखिए गुजरात से जालंधर तक भी हमारी जो है ये पाइपलाइन, अगर मैं बात करता हूँ तो विरामग्राम जो है मथुरा है, दहली है, सोनीपत है, तो यहाँ से जो गुजरती हमारी जो है इट इज कनेक्टेड टू द कोयली नियर बड़ोदरा गुजरात, तो ये सेकंड हमारी पाइपलाइन है। लेकिन जो आपकी इम्पोर्टेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली पाइपलाइन है कि गुजरात के अंदर जगदीशपुर है, उत्तर प्रदेश के अंदर विजयपुर और मध्य प्रदेश के अंदर हजीरा, तो ये आपका एच वी जे पाइपलाइन अगर आप इंडिया का मैप देखते हो तो उसके अंदर ये चीजें आपको जो है अच्छे से दिखाई दे जाएगी कि जो एच वी जे हमारी पाइपलाइन है यह भी काफी जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए राजस्थान के अंदर कोटा के अंदर भी जो है हम इसको यूज करते हैं। इट मीन्स क्या है कि एट प्रेजेंट के अंदर जो पाइपलाइन हमारी है हम उसको किस वे में ले रहे हैं कि ये हमारी जो है ट्रांसपोर्टेशन के रूप में आजकल जो है काफी बेनिफिशियल एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा जो है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा वाटरवे है, देखिए वाटरवे के बात करते हैं तो वाटरवे के बारे में सभी ने सुना भी होगा कि किस तरह से हमारा जो अनशियन टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए स्टार्टिंग से ही इंडिया जो है दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट सी फेयरिंग कंट्रीज, यानी कि सी फेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक स्टार्टिंग पीरियड से ही जो है वाटर या जो चैनल्स आपके हैं इनको जो है यूज कर लिया। एक्चुअली में तो सीमैन शील्ड थे,
क्या थे कि जो मछुआरे वगैरह थे या फिशरमैन की मैं बात करता हूँ, तो मोस्टली जो ट्रेडिंग जो उनके नियर सेंटर थे उसी के अंदर जो व्यापार वगैरह या कॉमर्स की मैं बात करता हूँ, कल्चरल की मैं बात करता हूँ, तो ऐसी चीजें वो जो है करते थे। लगभग मान लीजिए कि दैट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये वर्ड आपको जो है ना, चीपेस्ट मीन्स का मतलब है कि सबसे सस्ता सबसे टिकाऊ। और दूसरी थोड़ी बड़ी बात ये है कि जितना भी आपका बल्कि मटेरियल है, भारी मटेरियल है, बिना किसी इन्वायरमेंट के डैमेज किए हुए, यानी कि इन्वायरमेंट का बिल्कुल फ्रेंडली मोड ऑफ आपका वाटर वे होता है। तो इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए कोई भी जो वाटर वे होता है ना, जो आपके कार्गो होते हैं वेसल्स या शिप की मैं बात करता हूँ, बिल्कुल आपके जो है ना किसी भी डायरेक्शन के अंदर वो फ्रीडम से मूव कर सकते हैं। यानी कि ये कोई मतलब फाउंडेशन नहीं है उनके ऊपर कि हमारा रोड यहाँ तक बिल्ट है, यहाँ तक ही चलेगा, या रेलवे ट्रैक के ऊपर जैसे ट्रेन आपकी चलती है, इसके अंदर वाटर वे के अंदर ये चीज हमारी मतलब किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है टर्न कर सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि इसको बिल्ड करने में आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आती है वो बिल्कुल 0% आती है, यानी कि कोई मेंटेनेंस खर्चा नहीं है कोई भी जो है इसका भी, तो सबसे सस्ता और चीपेस्ट मोड है। अगर हम क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सबसे सस्ता जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो है आपका सीवेज या वाटर वेज की मैं बात करता हूँ, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि यहाँ तो इंडिया के बारे में हमने पढ़ना है। हमारा इंडिया जो है पेंसुलर कंट्री है और थ्री साइड इसकी वाटर से कवर्ड है, लेकिन हमारी जो कोस्टल लाइन है 17,500 जो है, तो लगभग मान लीजिए कि हमारी जो हमारे पास जो कोस्ट लाइन है ठीक है तो काफी लंबी है, और अराउंड लगभग जो है ना 14,000 की टोटल हमारे पास वाटर वे की इनलैंड वाटर वे। देखिए इनलैंड में क्या जाता है कि आपकी जो जो नेविगेशन के अंदर रिवर्स की मैं बात करता हूँ, कैनाल्स की मैं बात करता हूँ, तो ये सारी चीजें हमारी जो है इनलैंड वाटर वे के अंदर भी आती है। तो लगभग मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ तो पूरी तरह से जो वेसल्स हैं इनको नेविगेशन के, अब देखिए हमारे जो वाटर वे है ना, हमने इसको भी जो है अलग अलग पार्ट के अंदर जो है डिवाइड रखा है कि किस तरह से आपका जैसे नेशनल हाईवे की हम बात करते थे ना, तो नेशनल वाटर वे 1, 2, 3, 4 इसको भी हमने जो है, और एट प्रेजेंट में अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग हमारे पास जो है ना 5,685 किलोमीटर जो है ना नेवियबल मतलब मशीन जो वेसल्स है, यानी कि जो बड़े हमारे पास जो शिप्स हैं ये जो हैं हमारे पास कितनी डायरेक्शन के अंदर हैं, मतलब कितना किलोमीटर जो टोटल ट्रेवल करते हैं वो करते हैं 5,685 किलोमीटर जो है टोटल मतलब, और सारा का सारा जो नेशनल वाटरवे वाइज जो गवर्नमेंट के अंदर में आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो है आता है। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये हमारा जो है पूरी तरह से देखिए कोस्टल लाइन है, ये सारे के सारे जितने आपके पोर्ट है तो यहाँ से वाटरवे, और इनलैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो जिस तरह से आपकी गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, और ब्रह्मपुत्रा के अंदर भी मधुली आईलैंड है, ये तो काफी मतलब यहाँ पर जो है ना नेचुरल वेजिटेशन वगैरह ज्यादा पाई जाती है, तो ये तो काफी जो है बेनिफिशियल हमारे लिए होती है ठीक है। सेकंड चीज ये कहता हूँ कि देखिए हमने वाटर भी जो है इसको भी हमने जो है कि जिस तरह से आपके नेशनल हाईवे होते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा रिवर बिटवीन अलाहाबाद टू हल्दिया, यानी कि ये कितना है 1620 किलोमीटर है, काफी लंबी लेंथ हो जाती है, तो ये हमारा जो है ना वाटर वे नंबर 1 आ जाता है ठीक है ना, नेशनल वाटर वे नंबर 1। सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी है ठीक है, बिटवीन संधिया टू डुबरी, तो ये हमारा जो है सेकंड नंबर पे आता है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है आपकी 891, यानी कि NH आपका जो है ना NW2 है, ये NH नेशनल हाईवे होता है, NW का मतलब होता है नेशनल वाटरवे नंबर 2। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की, तो यह भी हमारा जो है केरला के अंदर ठीक है, तो केरला है जो उद्योग मंडल वगैरह है, तो ये भी आपका जो है 205, और इसी तरह से गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर्स के अंदर भी जो है ना आपका, क्योंकि ये भी आपका जो है 1078 किलोमीटर टोटल। अगर हम बात करते हैं तो सफिशियंट हमारे पास इनलैंड वाटरवे है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनलैंड वाटर वे है
वो क्या होता है कि जो हमारे एक कंट्री के अंदर में चलता है तो रिवर्स के द्वारा, कैनाल्स के द्वारा, तो वो जो है इनलैंड वाटरवे के रूप में आता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरह से जो आपका गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो सभी रिवर्स को जो हम इसी के अंदर में लेते हैं कि जो हमारी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो वाटर वे के देखिए बेनिफिट बेनिफिट तो बहुत सारे होते हैं इसके। क्यों होते हैं बेनिफिट? क्योंकि एक तो सस्ता हमारा जो है ना सबसे अच्छी बेस्ट मोड होता है। सेकंड चीज ये है कि जो है ना इसके अंदर इस एक समय के अंदर हम जो है ना सामान सबसे ज्यादा मात्रा में ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो तीसरी चीज ये है कि जो अगर हम बात करते हैं, अब मेजर सी पोर्ट की हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास जो टोटल हमारी जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है कितनी है, वो है आपकी 75, 16.6 किलोमीटर। यानी कि ये टोटल हमारी जो है ना कोस्ट लाइन हमारे पास है, और इंडिया के अंदर 12 मेजर जो है क्या है पोर्ट्स ही है, और जिनमें से लगभग छोटे छोटे जो आपके 200 के आसपास भी है। बेटा एक बार मैं रिकॉर्डिंग को जो आना बंद ही कर देता हूँ।